चैनल फिटिनिया ग्रो, तो जिवामे में कल सभी को जेड कॉइन क्रेडिट हो गया। जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास 80 जेड कॉइन है, लेकिन कल का क्या है, इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने ऑफर डालना था इनको, तो इन्होंने एक नया रूल ले आया है शिपिंग चार्ज का। तो जितने भी प्रोडक्ट्स अभी जो अभी हैं जिनको आप परचेस करोगे, उनमें आपको 45 रुपीज़ शिपिंग चार्ज पे करना होगा। तो ये अभी कुछ ही दिनों में, मतलब कल ही मैंने ये वाला देखा, नहीं तो मैंने पहले शिपिंग चार्ज वाला नहीं देखा था। ठीक है, ब्यूटी वाले तो कोई भी प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है ही नहीं, तो कुछ ही दिनों में आपका जो जेड कॉइन है वो एक्सपायर भी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्राइस को, मैं लो टू मैंने हाई भी कर लिया। यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, देख रहे हो कि ये 99 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है। जैसे कि मैं इसको ऐड टू कार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए ये भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। तो मेरे बहुत सारे मेरे अकाउंट्स में 90-80 जेड कॉइन है। तो अगर आपके पास भी है तो आप क्या करो, सिंपली सबसे पहले तो आप इनकी मतलब की वैलिडिटी को बढ़ा लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट मतलब देखिए कि जिस जो मतलब कि आपके कार्ट में ऐड हो रहा है, जैसे कि ये वाला कार्ट में मेरे ऐड हो चुका है। तो ये चाहे ये प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, लेकिन ये प्रोडक्ट है तो इसको आप क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। यहाँ देख सकते हैं शिपिंग चार्ज आपको 45 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि ये शिपिंग चार्ज सिर्फ अभी के लिए हो, कुछ दिनों में ये हट जाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कीजिए, जिस पे मतलब कि सस्ता सा कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कीजिए, और उसको जो है आप कैंसिल कर दीजिए ऑर्डर। तो कैंसिल हो जाने के बाद जो है आपकी जो भी ये वाला जो 80 जेड कॉइन या जितने भी जेड कॉइन होंगे, उनकी वैलिडिटी आपको एक साल तक बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो एक साल तक बढ़ जाएगी, तो आप कोई भी प्रोडक्ट अपना मन चाहा आप कभी भी ले सकते हो। तो ये मैंने पिछला वाला मैंने एक ट्राई किया था, ये वाला जेड कॉइन देखिए, ये यहाँ मुझे 70 जेड कॉइन है, लेकिन ये जो लास्ट बार जो ऑफ़र आया हुआ था जिवामे का, उस टाइम मुझे 70 जेड कॉइन मिले थे, लेकिन मैंने ऑर्डर किया तो मेरा कैंसिल हो जाने के बाद इसकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, अगर आप प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो सेल में भी जाके आप देख सकते हो। लेकिन मुझे कोई भी उतना प्रोडक्ट मुझे खास नहीं लगा, कल तो कुछ था भी, लेकिन आज तो वो भी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप कोई भी प्रोडक्ट एक परचेस कर लो और उसका जो है ऑर्डर को कैंसिल कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, और उसके बाद आप कस्टमर केयर को कॉल करना। कस्टमर नंबर आपको नीचे में यहाँ से कॉन्टेक्ट अस में मिल जाएगा, यहाँ पास आप कॉल कीजिएगा, इंस्टेंट आपको जो है जेड कॉइन आपको मिल जाएंगे और उसकी वैलिडिटी एक साल के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।